वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में आज उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब दिल्ली से दर्शन करने आए एक परिवार का जूते चप्पल उतारने को लेकर मंदिर के कर्मचारियों से विवाद हो गया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। वृंदावन में विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में आज उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब दिल्ली से दर्शन करने आया एक परिवार का जूते चप्पल उतारने को लेकर मंदिर के कर्मचारियों से विवाद हो गया, जिसमें दर्शन करने वाले और कर्मचारियों के बीच मारपीट तक हो गई और एक श्रद्धालु ने मंदिर में ही पिस्टल निकालकर लहराना शुरू कर दिया, जिसे बमुश्किल लोगों ने छीना और लोगों को शांत कराया। बांके बिहारी मंदिर में वैसे तो मंदिर कर्मचारी और श्रद्धालुओं के बीच झगड़ा होना अब आम बात हो गई है, लेकिन आज एक मंदिर में दर्शन करने आया दिल्ली के टेकचंद शर्मा और उसके परिवार ने मंदिर के बाहर अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। जब ये सभी लोग मंदिर के बाहर चबूतरे पर अपने जूते चप्पल उतारने लगे तो वहां तैनात महिला कर्मी ने इनसे जूते चप्पल अलग स्टैंड पर रखने की कही तो इनमें आपस में कहासुनी हो गई और ये कहासुनी इतनी भड़ गई कि दोनों पक्षों में मारपीट तक शुरू हो गई, जिसके बाद मौके पर आया अन्य कर्मचारियों से भी महिला श्रद्धालुओं ने मारपीट शुरू कर दी। शर्मा नाम है जी, कहाँ से आया? मैं दिल्ली से आया था। क्या घटना रही है ये? आज जो घटना हुई बड़ी शर्मसाक है। जो बिहारी जी के मंदिर में गार्ड्स थे, जिन्होंने सबसे पहले मेरी बेटी को मारा, छेड़ा उसको, बदतमीजी की, जो प्रोहिबिटेड एरिया है वहाँ टच किया और जब उसको कोहनी मारी और उसके बाद जब हमने उसको जब हमारे बच्चे ने बताया। क्या नाम आपका? जितेंद्र सिंह। क्या घटना हुई आज? सर कुछ नहीं, चप्पल जूतों के लिए मैंने उस लड़की से बोला, मेरी बहन जी साइड में ले लो। उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं लूँगी। मैंने फिर इनको बुलाया, इन्होंने वो साइड में कर दी पैरों से। उसके बाद वो गर्म हो गई। गर्म होने के बाद अंदर से वो दर्शन करने के आए, उनके मम्मी पापा जो भी साथ में थे, उन्होंने आते आते इन पर हमला किया। हमला करने के बाद पिस्टल निकाली और इनके गले पर रख दी। उसके बाद में मैं भी पकड़ा गया, मुझ में मार दी अच्छी तरह से। उसके बाद पिस्टल रख के बोला मैं तुझे जान से ख़त्म कर दूंगा। ऐसे करके उन्होंने बहुत ज़ोर से मार लगाई। मार लगाने के बाद मैं जैसे तैसे छूट गया अंदर। मैंने आवाज़ लगाई तो कुछ लोग आए हमारे बचाने के लिए, मतलब बचाने के समझाने के बाद भी उनको भी मारा गया। सर मेरी नंबर 3 नंबर पे ड्यूटी थी, कुछ हुआ नहीं था, झगड़ा थी जूते चप्पल की। सब लोगों ने जूते चप्पल उतारे, लड़कियों ने ढेर बना ली, एक लड़की ने, दिल्ली के थे वो, पूरे ढेर बना लिए। ये उसे समझाया लेकिन वो समझी नहीं, फिर बोले मैडम जूता चप्पल हटवा दो। मैंने जाके कही मैडम जूता चप्पल हटा दो, मैंने धक्का भी ना मारी, बस ऐसे ही बोली। लेकिन वो लड़की ने फिर चुपचाप, मैंने जाके बैठ गई। लड़की ने फिर उसके पापा मम्मी जब बाहर आए तो उसने बोली कि ऐसा करो, ये लड़की ने मुझे धक्का मारी है घसीट करके। मैंने कुछ ना करी, जबकि उसे बस ऐसे करी चलिए बस। उसके बाद उसके पापा मम्मी ने 2-3 बार दौड़े दौड़े हमारे ऊपर आए और ले जाके कोने में जहाँ पे कैमरा नहीं चल रहा है, जहाँ मैं आऊँगी नहीं, मुझे खींच के मेरे गले ऐसे दबाया, मेरे यहाँ चोट लगी कि मैं एकदम दम घुटने लगे। मैं रात में खाना भी नहीं खाया, सुबह में चाय पी करके चली। कैसे वो ड्यूटी कर रही, इतनी भीड़ थी कि मुश्किल था जान बचाना। मैं भागे भागे 1 नंबर गेट पर गई और पानी पी के आए दौड़े दौड़े। तब तक ये लड़का आया, ये रामवीर नाम का लड़का आया दौड़े दौड़े। ये भी बेचारे की उंगली मुँह से चबा गई मुँह से पूरी उंगली, और इसका पूरे मुँह नोच डाली पूरे। देखिए नाखून का निशान पड़ा है, मेरे तो चोट यहाँ लगे सब लगे हैं। रिवॉल्वर भी निकाले, रिवॉल्वर 2-2 बार रिवॉल्वर ला के टच किया यहाँ पे जहाँ पे कैमरे नहीं चल रहे, 2-2 बार लहरा रहे रिवॉल्वर, सिक्सर था छोटा वाला खींच करके। और हमें बार बार बोला तुम्हारा जान मार दूंगा तुमको खत्म। लड़की ने इतनी अनाप शनाप गालियाँ दी बदतमीजी से, लेकिन मैं कुछ ना बोली क्योंकि मेरी नौकरी है, मैं तो जानती हूँ कि वो दर्शनार्थी है। जिस दौरान रिवॉल्वर दिखाई जाती मंदिर में भीड़ थी, अफरा तफरी का माहौल था, बाहर रिवॉल्वर हम लोग गार्ड पे उठाया, 2-2 बार दिखाया कि तुम्हें मार डालो। हमें तो करा तुमको तो जहाँ मिल जाओगे जान से मार डालूंगा, ये बचाने के लिए आया, इसको भी लपट गए। तिवारी सर हमारे हैं, उनको भी डंडे लेकर के मारे सब, वो भी गिर गए जहाँ पे कैमरे नहीं चल रहे, कैमरे नहीं दिखेंगे। मैंने बचाई लेकिन ये सब मतलब तो थोड़ा भी नहीं सो, जहाँ भी मिलता बोला तुम्हें मारूंगा, खींच करके तुम्हें मारूंगा।